बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम 1000 इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर MCQs का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, सो लेट्स बिगिन। अल मौता इज रिटन बाय, अल मौता किसने लिखी है? अल मौता एक बुक है, वो किसने लिखी है? इमाम मालिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट ओशन, मदरजा ज़ैल में से सबसे गहरा समंदर कौन सा है? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा समंदर भी है और सबसे गहरा समंदर भी है। विच पोइट गॉट लेनन प्राइस इन 1962, किस शायर को 1962 में लेनन प्राइस मिला? फैज़ अहमद फैज़ को। और लेनन प्राइस जो है वो रशिया देता है, इसमें जो जर्नलिज्म की फील्ड होती है, लिटरेचर की फील्ड होती है, इसमें ये इनाम दिया जाता है। लेंथ ऑफ बतूरा ग्लेशियर इज़, बतूरा ग्लेशियर ये पाकिस्तान में है और इसकी लेंथ है 64.5 किलोमीटर। Who was the leader of कुफ़ार in गज़वा-ए-उहद, गज़वा-ए-उहद में कुफ़ार का सरदार कौन था? अबू सफियान। और गज़वा-ए-बदर में कौन था, जो कि 2 हिजरी में हुआ था, और जो उसमें अबू जहल था, और फिर जो गज़वा-ए-उहद है ये 3 हिजरी को हुआ था, और इसमें जो उनका लीडर था वो अबू सफियान था। Which country become the latest वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया रुकन कौन सा मुल्क बना है? अफ़गानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को बनाई गई थी। हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म हज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? एक बार। Who got the title Lion of Allah, अल्लाह का शेर किसका लकब है? हज़रत अली का। Which of the following companion of Prophet known as Abu Turab, नबी के कौन से सहाबी को अबू तराब के नाम से जाना जाता है? हज़रत अली। हज़रत अली की कुनियत है अबू तराब। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन लंदन बाय, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट लंदन में किसने स्टार्ट की थी? चौधरी रहमत अली। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड इन विच सिटी, मुजस्मा आज़ादी किस शहर में वाक़ है? न्यूयॉर्क। हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ सोवियत इन्विजन, नूर मोहम्मद ताराकई। सिक्स कलमा इज नाउन एज रद्दी कुफर। पेरू लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पेरू कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट, किस बरियाज़म में है? साउथ अमेरिका में। आगरा सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये इंडिया में है तो आगरा सिटी उसी पर वाक़िया है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। हु वाज द फाउंडर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? प्लेटलेट्स, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाए उसका खून नहीं जमता, नहीं रुकता अगर कोई चोट लग जाए तो। टर्म ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली का दुरानिया कितना होता है? 5 साल, 5 ईयर्स। वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लफज से शुरू हो और ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म हो, उन सब का हेड क्वार्टर जिनेवा में होता है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। हु इस्टेब्लिश्ड द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सर सैयद अहमद खान। राजा परवेज अशरफ इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑन अप्रैल 16, 2022। इन टू माइंड्स मीन्स टू बी अनएबल टू डिसाइड अबाउट समथिंग, यानी कि दो जहन होना कि कोई काम करूं या ना करूं।
इन आईटी में CAI मींस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर की मदद से पढ़ाने को कहते हैं CAI। इडियम ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का क्या मतलब होता है? वेरी लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया इज, एरिया ए से शुरू हो रहा है तो आपने अल्जीरिया याद रखना है। एक नाइजीरिया भी है, वो आबादी के लिहाज से है, और अल्जीरिया जो है वो एरिया के लिहाज से है। डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया। रोमन रिवलिन विच कंट्री प्रेजिडेंट हु विजिटेड इंडिया इन 2016? रोमन रिवलिन ये किस कंट्री के सदर थे? इसराइल के। इन्होंने 2016 में इंडिया का विजिट किया था। विच आर्टिकल डील्स विद नो वन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट? 10। ये आर्टिकल 10 कहता है कि किसी को भी 24 घंटे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर। आर्टिकल 10 ये इसके साथ डील करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद कश्मीर? 257। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बिल आइकन बटन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।